अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप सब? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? तो यहाँ की हमने 4 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड, तो बारिश होने वाली है, तो मैंने कहा साथ साथ टैक्सेस में बैठते हैं और व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ भी इसी टेक्सचर की है। पहले तो इसको क्लीन करते हैं। आगे तकरीबन 3 दिन लगातार बारिश है, तो मैंने कहा जैसे तैसे टेक्सचर समेट लूँ। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ये तरफ छोटा जिसमें मैं डाल रही हूँ, आगे का पूरा इसका टेक्सचर कहीं और भी है थोड़ा सा पड़ा, तो उसको भी रखना है। चलें जी, यहाँ भी देखिए इतना अच्छा सेटअप है। अभी मड है, मड को दिल करता है, तो मैंने ना अपनी सारी मड सेम ही कर दी हुई है। यहाँ थोड़ी क्रम्बलिंग करते हैं मड की। ये येलो मड है, हाँ मेरे देखिए, मैं भी देख रही हूँ वीडियो रिकॉर्ड के साथ ही व्लॉग शुरू किया है। हाँ देख, अच्छा आ रहे हैं समाल, बहुत शुक्रिया कह रही थी कि वो अभी तक याद करती हैं मेरी वर्क प्लेस को मुझे। थैंक यू सो मच, मड देख के याद आया कि हमने मिलके क्रम्बल की थी। थोड़ा सा एक पीस और लेते हैं। वैसे मज़ा आया इसकी क्रम्बलिंग करके।
चलें जी, ठीक है। यहाँ ना थोड़ी सी इमरजेंसी शिफ्ट की थी, ये वाली, ये इसमें सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, तो इसको मैं सोच रही हूँ जो मेरी ब्लैक डॉट है उसके अंदर करके ना इस टब को वाली कर। तो भाई ये तो देखिए कितनी हिली हुई पड़ी है, इसको भी निकालते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इसके अंदर, ये देखें जी, ये देखें ना, इसमें तो मुझे लग रहा जैसे सैंड हो। इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो ये तो हो जाएगी सॉफ्ट, शिफ्ट की हुई है, ये देखिए। तो ये है ग्रे लेकिन नहीं ब्लैक शेड देती है, तो मैं सोच रही इसके अंदर अगर हम डाल दें बहुत हॉट। इसको वैसे रख देंगे और इसके अंदर डाल देते हैं, ये देखें जी। ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है। अच्छा जो टेक्सचर ड्राई ड्राई है वो ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है, तो लेकिन मुझे तो वीडियो बनानी थी, मैं बना ली है, क्योंकि जो बाकी टेक्सचर है आप लोगों के सामने मैंने दिखाया है, रेड टेक्सचर भी नहीं है अभी, कुछ तो बने नहीं है और कुछ ड्राई नहीं है। बाकी आप लोगों को शुक्र करना चाहिए कि चले न्यू वीडियो तो आ रही है ना, आप खुद देखें मौसम का अंदाज़ा करें। मैं न्यू वीडियो लेकर आ रही हूँ कि आप लोगों के लिए, तो जो टेक्सचर नहीं बने हुए उनका भी मैंने आपको बता दिया था कि ब्राउन गोल्डन टेक्सचर क्यों नहीं बन रहे, कि उनमें एक दो में करनी है सैंड ऐड, सैंड कह रही हूँ
वाइट सीमेंट, तो वाइट सीमेंट अभी है नहीं है तो इस वजह से वो नहीं बने, रेड टेक्सचर वैसे नहीं बने हुए क्योंकि उस साइड पर जब बारिश होती है वो सारे के सारे गीले हो जाते हैं, वो जगह ही पता नहीं कैसी है तो इसलिए वो नहीं बने हुए। ये देखें चले मैं ये क्रम्बलिंग करती हूँ तो प्लीज़ समझा करें, मैं मतलब जानबूझ के तो नहीं ऐसा करना चाहती। इन टेक्सचर का रीज़न ये भी है, मैंने आपको बताया था गलत जगह पे बनाए, फिर इधर ही पड़े रह गए, भट्टा टूटा हुआ था तो वजह नहीं की मैंने, ऐसे ही बस। आज कुछ सोचते हैं, बाकी ग्राउंड गोल्डन टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा मैंने उनकी जगह गलत चूज़ कर ली, मुझे लगा था जगह परफेक्ट है लेकिन ये सही जगह नहीं थी। ठीक है ये देखें यहाँ टेक्सचर बिखरा पड़ा है, इसको करते हैं ट्राई, पहले छोटे वाला करते हैं। ठीक है इसको भी देखते हैं, ये देखें पूरे का पूरा ना उठाया नहीं जाना, टप तो है ये, पहले उतार के ये देखें जी। यहाँ हम देखें इसको ये उतरता है कि नहीं ज़मीन से, पहले इसको उतारते हैं, ये टूट जाना है लेकिन ये उतरना नहीं है, इससे अच्छा इसको हम क्रम्बल ही कर लेते हैं। ये देखें ये देखिए इतने बड़े चंक्स निकले हैं इसके, लेकिन ये सॉफ्ट इतने हैं बंदा क्या करे। ये देखें मैंने इनको रखना है ना कहीं टूट ही ना जाए अगर रखूँ तो। ये देखें
ये रह गया, इसको भी क्या रखना। चल इसको भी करते हैं क्रम्बल। इसने वैसे आज गिले होने, सोच रही इसको व्लॉग में क्रम्बल कर दूँ।